बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल असलम है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, यानी मैदे आते हैं और जिगर का डॉक्टर हूँ। हमने दी मॉडर्न हॉस्पिटल में रिसेंटली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग तमाम मैदे, जिगर और आंतों से रिलेटेड बीमारियां देखेंगे। और इसमें मैं आपको तफसील बताता हूँ, जिसमें हेपेटाइटिस भी शामिल है, यानी जो भी जिगर की परेशानियां हैं, जिसमें पीलिया हो जाना है, भूख का ना लगना है, वजन का गिरना है, पेट में दर्द है, और उसके अलावा और दूसरी अलामात जिसमें मरीज़ हमें आकर दिखा सकते हैं, पेट की उस पेट में दर्द जिस तरह मैंने बताया, मोशन मुस्तकल रहना, कब्ज़ का होना, पखाने में खून आना या पखाने काले आ जाना, और वज़न का आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहना, मुस्तकल डकारें आना या सीने में जलन, जिसको हम लोग गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं, तो उसमें मुंह में खाना आ जाना जो हम खाना खाते हैं, और बार बार गले की तकलीफ़ होना, उस वो भी एक पेट की अलामत हो सकती है। साथ साथ हमें ये देखना कि कभी मोशन तो नहीं हो रहे या कभी कब्ज़ तो नहीं हो रही, और वो पेशेंट जिनके करीबी रिश्तेदारों में कोई आंतों की खुदा ना खासा बड़ी बीमारी जैसे कैंसर हुआ है या टीबी हुआ है, उनको अपने आप को दिखाना अगर उनको पेट की कोई भी अलामत चल रही हैं। तो ये तमाम अलामतें हैं जो एक पेट का डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैदे जिगर और आंतों का डॉक्टर डील करता है। तो हमने दी मॉडर्न हॉस्पिटल में अभी रिसेंटली ये तमाम चीज़ें स्टार्ट की हैं, और इससे रिलेटेड हम जो है वो मैदे का मुआयना कैमरे के ज़रिए, जिसको एंडोस्कोपी कहते हैं, तो उसमें उसकी दो अकसाम होती हैं कि मुँह के ज़रिए कैमरे का मुआयना किया जाए और पखाने के रास्ते कैमरे का मुआयना किया जाए। मुँह के ज़रिए कैमरे का मुआयना ईज़िली हो जाता है, वो 5 से 10 मिनट का मुआयना होता है, आमतौर पे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, और बहुत लेस परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो वो निगलिजिबल होती है। यूजली से एक प्रोसीजर होता है जो हम आमतौर पर अपर जी एंडोस्कोपी उसको कहते हैं, जो मुंह के ज़रिए होता है, और लोअर जी एंडोस्कोपी होता है जो कि हमारे पखाने के रास्ते होता है, जिसमें इसकी किसी को मुस्तकल मोशन है या कब्ज़ हो रही है या वज़न में कमी आ रही है, तो वो भी एक सेफ प्रोसीजर होता है, वो भी हमने दी मॉडर्न हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग है हेपेटाइटिस बी और सी की, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमन है, तो उसकी स्क्रीनिंग भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल जो भी शख्स है अपना मुआयना कराना चाहता है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, तो हमारी लेबॉरेटरी के अंदर उसकी सहूलत मौजूद है। तो आप लोग तमाम आसपास के रिहायशी या दूर के जिनको पता लगे कि वो अपनी स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा कोई भी कंसल्टेशन, बच्चों की कोई पेट की बीमारी है या जिसमें पेट का दर्द है, मुस्तकिल बच्चों में होता है या पखाने में कीड़े आ जाना है, उसके लिए भी जो है वो हम लोग एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की टीम देखते हैं। तो उम्मीद ये है कि आपको तमाम बातें ये हमारी समझ में आई होंगी, और इसके अलावा आप आकर हमें विज़िट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और एंडोस्कोपी के लिए हमारे यहाँ पर सहूलत अच्छी मौजूद है, आप आएँ विज़िट करें। Thank you.